खुश हो जाएंगे उनकी पसंद का खाना जो बन रहा है। अरे इनकी तो क्लास का टाइम हो गया, ये अभी तक सो ही रहे हैं। ओहो इनको उठाकर आती हूँ। बच्चों बच्चों उठो, क्लास का टाइम हो गया। उठो बेटा उठो, उठो शनाया। मम्मा मुझे हाथ मत लगाओ, सुबह सुबह काले काले हाथ लगा लिए। रमनी अब तैयार हो गई, मैं आपको नाश्ता लगा दूं? अरे नहीं बाबा मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अरे बाहर से क्यों, अब मैंने तो आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी करा, इनफैक्ट मैंने तो आपका टिफिन भी पैक कर दिया है। मैं लाती हूँ। रोज इन काले काले हाथों का बना खाना खाना पड़ता है। Later. सॉरी मैम मैंने होमवर्क नहीं किया, पर मैं कल पक्का पक्का सारा का सारा होमवर्क भेज दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अनन्या तुम दो दिन से काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो, अपनी मदर को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मदर अनन्या क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मैम मुझसे बात करना चाहती है? नहीं नहीं मम्मा। अरे तुमने लैपटॉप ऐसे क्यों बंद कर दिया एकदम से? तुम्हारी टीचर मुझे बुला रही थी ना? हाँ बुला रही थी, पर मैं उनसे पापा से बात करा दूंगी। पापा से क्यों बेटा, मैं उनसे बात कर लेती। आप ना मेरी क्लासमेट्स और मेरी टीचर के सामने आने की कोशिश भी मत करना, अगर उनको पता चल गया कि मेरी मम्मा इतनी काली है तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। Later. क्या हुआ शना, तू इतनी सा क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी फ्रेंड तारु का फोन आया था, तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी। पर क्यों? वो कह रही थी कि सिया के बर्थडे पे सबकी मम्मी इतनी स्मार्ट लग रही थी, सिर्फ मेरी इतनी गंदी लग रही थी। शनाया पर तुम मम्मा को सिया के बर्थडे पे लेकर ही क्यों गई? मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी मम्मा के साथ आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं मम्मा को ले जाऊं। अरे पर मम्मा लेके जाने के लायक भी तो होने चाहिए ना। मैं कहीं लेकर जाने के लायक नहीं हूँ। जितना मर्जी कर लूँ मैं रमनी को और बच्चों के लिए, पर मैं सच को नहीं बदल सकती, और सच ये है कि मैं काली हूँ, काली। यही सच है, और यही सच की वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ। देखो पता है एक दिन ना मम्मा को मैं पार्टी में ले गई थी, वहां पे मेरी फ्रेंड्स ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, वो कहने लगे कि देख अनन्या की मम्मा तो इतनी काली है, इतनी गंदी है। फिर क्या, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मम्मा को मैं कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी, और तू भी मत लेके जाया कर। ठीक है, पर क्या? पर 3 दिन बाद तो मेरी पीटीएम है, और मैंने मैम को बोल दिया कि मैं अपनी मम्मा के साथ आऊंगी। ये तूने क्या कर दिया? तू ऐसा कर, मम्मा के बजाय पापा को ले जा, मैम को तो एक ही पेरेंट से मिलना है ना। हाँ ये ठीक रहेगा, हाँ मैं ऐसे करूंगी, ये ठीक रहेगा। लेट बाय। क्या हुआ शनाया? दीदी आपको पता है मेरी फ्रेंड सायना में थी ना,
हाँ तो उसने मुझे कहा कि अपनी मम्मा से तुम मिलवा दे। तो मैंने कहा कि मम्मा घर पे नहीं है। पर मम्मा तो घर पे थी ना। हाँ, उसने देखा भी मम्मा को और पूछने लगी कि ये कौन है। तो मैंने कह दिया ये हमारी मेड है। हे भगवान, आज मेरे बच्चों ने मुझे मेड का दर्जा दे दिया। आज मेरे बच्चों को इतनी शर्म आ रही है अपनी फ्रेंड से मुझे मिलवाने में कि आज इन्होंने मुझे मेड बना दिया। हे भगवान, ये बच्चे कभी मुझे प्यार करेंगे कि नहीं, या हमेशा मेरे काले होने की वजह से मुझसे नफरत ही करेंगे। Later. पापा, कल सुबह 11 बजे ना मेरी पीटी है, आप करोगे मेरे साथ? बेटा, कल सुबह तो मेरी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन पापा, मेरी पीटी है भी इम्पोर्टेंट है। बेटा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत मुश्किल से मेरे क्लाइंट से टाइम मिला है, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम ऐसा करो, मम्मा को ले जाना अपने साथ। मेरे को वहाँ जाके अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। सब लोग मुझे देख के मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि शनाया की मम्मी इतनी काली है। बेटा, ये बात तो मैं तेरी मानता हूँ, मजाक तो तेरा जरूर उड़ेगा, लेकिन अब क्या करें बेटा, मजबूरी में तो इंसान को कुछ भी करना पड़ता है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, किसी तरह अपना काम चलाओ और ये पेरेंट टीचर मीटिंग खत्म कराओ, ठीक है? हाँ बेटा, मैं चलूंगी ना तुम्हारी मीटिंग में तुम्हारे साथ। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? तूने मम्मा को पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए हाँ कर दिया। और मैं करूँ ही क्या फिर? ओ, मेरे पास एक आइडिया है। The next day. ये कितने सुंदर है, ऐसा करती हूँ ये वाले इयररिंग्स पहन लेती हूँ, बहुत सुंदर लगेंगे। शनाया, चलो बेटा, मैं रेडी हो, कहाँ हो? शनाया, शनाया बेटा, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई शनाया? अरे शनाया बेटा, तुम कहाँ थी? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। देखो मैं रेडी हूँ, चलो तुम्हारी पीटीएम पे चले। मैं तो पीटीएम से हो भी आई। हो भी आई? हो भी आई? हो भी आई? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। क्या बाप का प्यार जरूरी है Part 3 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। आपने क्या फैसला किया, क्या जरूरी है? वीडियो लिखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।